नमस्कार फ्रेंड, झटपट चटपट घरेलू डिश में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बिना चावल के खीर, वेजिटेबल खीर। ये बहुत ही पौष्टिक होता है फ्रेंड, और बहुत ही हेल्दी। और करवा चौथ आ रहा है फ्रेंड, इसलिए करवा चौथ स्पेशल खीर फ्रेंड, जिससे फुल ऑफ एनर्जी मिलेगा बच्चों को, बड़ों को, सभी को फ्रेंड, थोड़ा सा ही खीर खाने से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेजिटेबल खीर। इसके लिए लिए हैं, देखिए, एक छोटा सा कद्दू जिसमें बीज ना हो फ्रेंड, एकदम छोटा वाला आप ले लीजिएगा फ्रेंड। हम इसके आधी कद्दू जो है फ्रेंड इसमें ग्रेट करके रखे हैं, कद्दूकस करके रखे हैं। देखिए, बीज रहेगा फ्रेंड तो कद्दूकस अच्छे से नहीं होगा फ्रेंड, और ये वेजिटेबल खीर खराब हो जाएगा फ्रेंड। और चार आलू लिए हैं फ्रेंड, बॉयल किया हुआ, हमने पहले से बॉयल करके रखे हैं फ्रेंड। थोड़ा सा बड़ा बादाम और पिस्ता फ्रेंड, किशमिश फ्रेंड 10-15 ग्राम ले लीजिएगा। 2 बड़ी चम्मच घी ले लीजिएगा फ्रेंड, और जीरा लेंगे, जीरा और तेज पत्ता, बड़ी इलायची तड़के के लिए फ्रेंड, और दूध। दूध को अच्छे से थोड़ा सा बॉयल कर लीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद आप दूध लीजिएगा फ्रेंड। तो कद्दू को ग्रेट करके फ्रेंड, और उसके पानी को इस तरह निकाल लेना है फ्रेंड, हरी वाली कद्दू का फ्रेंड। ये देखिए, आप इसको ऐसे दबाइएगा तो इसका पानी निकल जाएगा फ्रेंड, इस तरह पानी निकाल लीजिएगा इसका। ये देखिए, तो थोड़ा फ्राई कीजिएगा ना फ्रेंड, तो इसका खुशबू अच्छा आएगा, पानी निकल जाएगा। तो इसको छील के अच्छे से ग्रेट कीजिएगा फ्रेंड, इसे रख के, और हम छील के इस तरह कद्दूकस कर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए, सारे कद्दू को आप इसी तरह कद्दूकस कर लीजिएगा फ्रेंड, और उसके पानी को निकाल लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए अब उस तरफ बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे। देखिए फ्रेंड, कढ़ाई गर्म हो गया, अब 1.5 चम्मच इस बड़ा चम्मच से घी डाल लेंगे फ्रेंड। कढ़ाई फुल फ्लेम पे बिल्कुल गर्म होने देंगे फ्रेंड, ज्यादा नहीं, 2 पिंच जीरा डाल लेंगे फ्रेंड, और अब फ्लेम को कम कर देंगे फ्रेंड, और इसमें डालेंगे तेज पत्ता और ग्रेट किया हुआ कद्दू, जो हमने घिस के कद्दू रखे थे फ्रेंड उसको डालेंगे। ऐसे तोड़ते हुए डालिएगा फ्रेंड, और गैस एकदम कम कर लीजिए फ्रेंड, मीडियम। अब इसको कद्दू को भूनने दीजिए फ्रेंड। उसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा फ्रेंड, इस तरह चलाते हुए। तब तक हम बॉयल किया हुआ आलू को मैश कर लेंगे फ्रेंड, इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड, छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए फ्रेंड, हम आलू को अच्छे से मैश कर लिए, जैसे आप चोखा बनाते हैं एकदम बिल्कुल चिकना मैश कर लीजिएगा फ्रेंड। इसको 5 मिनट तक लगातार इस तरफ फ्राई कीजिएगा फ्रेंड चलाते हुए। देखिए फ्रेंड, कम से कम 5 मिनट इसको हम फ्राई करने के बाद अब इसमें मैश किया हुआ आलू डालेंगे फ्रेंड। अब इसको आलू के साथ भी फ्राई करेंगे फ्रेंड। ये वेजिटेबल खीर बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड।
अब इसमें फ्रेंड ऊपर से हम थोड़ा सा हल्का सा घी डाल लेंगे फ्रेंड, हाफ चम्मच फ्रेंड घी डाल लेंगे। अब इसको चलाएंगे फ्रेंड, दोनों को 5-5 मिनट फ्राई करेंगे, मतलब पूरा हम 7-8 मिनट इस तरह चलाते हुए फ्राई करेंगे फ्रेंड, कढ़ाई से छुड़ाते हुए। ये बहुत ही पौष्टिक खीर है फ्रेंड, आप पूरे यूट्यूब चैनल पे आप ये रेसिपी नहीं मिलेगा फ्रेंड, आप जरूर देखिएगा फ्रेंड, और जो भी देखते हैं और बनाकर खाइए फ्रेंड, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड। ये सारे रेसिपी जो बच्चे मीठा खाते हैं उनके लिए बहुत ही पौष्टिक है फ्रेंड, और बहुत ही कम मेहनत में बन जाता है फ्रेंड। आप बहुत सारे रेसिपी खाए होंगे फ्रेंड, लेकिन ये भी एक बार बच्चों को ट्राई करके देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है फ्रेंड। बहुत ही कम सामान में और बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड। अगर आप घी नहीं दे रहे हैं फ्रेंड तो हल्का सा रिफाइंड दीजिए, नहीं तो और 2 मिनट में कद्दू ग्रेट कीजिए और 2 मिनट में बना लीजिए फ्रेंड। आलू भी बहुत अच्छा चीज है फ्रेंड, बढ़ते बच्चों को तो जरूर खिलाना चाहिए फ्रेंड। अब हम डालेंगे फ्रेंड इसमें दूध, दूध को थोड़ी देर, दूध हमने फुल क्रीम दूध लिए थे फ्रेंड और उसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल कर लिए थे, इससे दूध में हमारा बहुत अच्छा खुशबू आ गया था एकदम फ्रेंड। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आने लगा फ्रेंड। इसी के साथ हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे फ्रेंड खोलते समय ही, ताकि कलर बहुत अच्छा आ जाए फ्रेंड, और ये सर्दी आ रहा है तो इसके लिए ये रेसिपी और अच्छा है फ्रेंड बच्चों के लिए, केसर तो गर्म होता है फ्रेंड, इसलिए इसके कलर के लिए 5-7 केसर डाल दीजिए, अगर नहीं है फ्रेंड तो कोई बात नहीं भी डाल सकते हैं, इससे हमारा कलर और अच्छा आ जाएगा फ्रेंड बॉयल होके। और ये खीर करवा चौथ स्पेशल है फ्रेंड, तो करवा चौथ पे भी आपको वो फास्ट के बाद फुल एनर्जी ला देगा फ्रेंड, 2 चम्मच खाते ही। फ्रेंड अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी, अगर आप मीठा ज्यादा खाएंगे फ्रेंड, बच्चे ज्यादा खाते हैं मीठा, तो कम बेसी आप कर सकते हैं फ्रेंड। ढाई सौ ग्राम का एक कद्दू हरा वाला ले लीजिएगा फ्रेंड, अब इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड 2 मिनट ढकने से ये कितना अच्छा बन गया फ्रेंड। अब इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे देंगे फ्रेंड, जैसे कटा हुआ बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट है फ्रेंड घर में आप उसको यूज कर लीजिए फ्रेंड, पिस्ता, कटा हुआ बादाम, काजू, जो भी आप दे सकते हैं, किशमिश, मुनक्का, मेरे पास ये था फ्रेंड काजू, मेरे पास बादाम, और थोड़ा सा कितना गाढ़ा मिल्क मेड की तरह ये बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड।
ये खीर बहुत ही पौष्टिक है फ्रेंड, बहुत ही। और 2 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाता है फ्रेंड। यूनिक आइटम है फ्रेंड, बिल्कुल नया, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड। और अब इसमें डाल देते हैं 2 हरी इलायची, थोड़ा सा कुटा हुआ फ्रेंड, ज्यादा नहीं। ये देखिए, छिलके के साथ डालिएगा फ्रेंड, ताकि और भी फ्लेवर अच्छा हो। अब हम गैस को बंद कर देंगे फ्रेंड। अब इसको सर्व करेंगे फ्रेंड। जब भूख लगे बच्चों को फ्रेंड, आप 2 मिनट में बनाकर खिला सकती हैं फ्रेंड ये खीर। इससे बच्चे बहुत ही हेल्दी रहेंगे फ्रेंड, और ये बहुत ही अच्छा रेसिपी भी है ये खीर बहुत। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, किसी बर्तन में आप डालिए और इसको सर्व करिए, और करवा चौथ पे स्पेशल डिश बनाइए फ्रेंड। सब लोग खुश हो जाएंगे फ्रेंड इस खीर से। बिना चावल का ये खीर बहुत ही पौष्टिक है फ्रेंड। बहुत सोच समझकर बनाते हैं फ्रेंड, बहुत पौष्टिक हो और आप लोगों को बहुत फायदा करे फ्रेंड ये करवा चौथ स्पेशल खीर। फ्रेंड हम बहुत सोच के और बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ बनाए हैं, बहुत कम फ्रेंड। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।